भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह ज्ञान है जो हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको अंधेरे और निराशा से निकालकर उसे खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा आदि इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा भागवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वह है, फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करो। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती लेकिन कर्म उसके हाथ में होता है, और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए मैं तो बैठा हुआ हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मणीय व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण पे भरोसा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए। यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा हमें अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, अर्थात यदि कोई बच्चा विद्यार्थी है तो उसे पढ़ने में ही ध्यान देना चाहिए। सैनिकों को अपने देश की रक्षा, राजा को अपने प्रजा की रक्षा, माता पिता को अपने संतानों को प्रेम, बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तथा शासक को शासन करना चाहिए। श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म को सही रूप से करेगा तो इस समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को किसी से परेशानी नहीं होगी। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भागवत गीता में हमें जो सीख मिलती है वो है अहंकार से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहाँ भी जाता है वहाँ दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंद्वी की भावना को देखता है जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भागवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है, इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर छोड़ना होगा। मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। भागवत गीता में मन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है, इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है या दुख देती है। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। कहा जाता है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल अपने आप हमें मिल जाएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकटें आएंगे आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के लिए परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन में और आत्मा में एकता हो, सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं के आत्मा को सही मायने में जानता हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एक जुट होने की इच्छा होती है वह सच्चा होता है, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहता था। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होते तो वो ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत प्रसन्न थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास जाता और महान ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा, गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो तुम्हारा क्या सवाल है? तो व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया, इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल में जाने के लिए निकल लेता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहता है। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस पत्थर से हल्का दर्द होने लग जाता है। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और चलता रहता है। काफी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे दर्द ज्यादा होने लगता है तब वह ऋषि से कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहता है, इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है, उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं, यह है तुम्हारी खुशी का राज। वह व्यक्ति वापस पूछता है, गुरुजी मैं समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठाया तो उससे ज्यादा और अधिक समय तक उठाकर रखा तो ज्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितने देर हम अपने पर दुखों का बोझ लिए फिरेंगे हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलती रहेगी। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दीजिए। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जिसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।